अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करेंगे। हमने असेक्सुअल की बात कर ली, अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करेंगे। बहुत इजी है और आधे से ज़्यादा चीज़ें ना आप फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़े जा रहे हो, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय फॉर्मेशन फ्यूजन ऑफ स्पेशल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। देखो, ये हमेशा एक ही एग्जांपल से याद रखो, चाहे मेल्स हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमंस हैं, उनमें हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस में, उसमें से जो गैमीट्स बनेंगे, मतलब या तो स्पर्म या ओवा, ये बनेंगे 23 क्रोमोसोम्स से, ठीक है। दे आर कंट्रीब्यूटेड जनरली बाय टू पेरेंट्स, मेल्स गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। ये एक मेल ने दिया, ये एक फीमेल ने दिया। अब इन दोनों को जॉइन करेंगे और एक बेबी बनेगा। अब देखो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन फिर से सुनो। प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी, ये बना लो अपने साथ। बाई फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल हैप्लॉइड सेल्स, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड गैमीट्स। दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटेड जनरली बाई टू पेरेंट्स, दैट इज मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। मेल से मेल गैमीट आएगा, फीमेल से फीमेल गैमीट, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये सारे एनिमल्स में होता है, इंक्लूडिंग ऑल एनिमल्स, इंक्लूडिंग दोज विच रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन मोस्ट एनिमल्स देर आर टू सेक्सेस, मेल एंड फीमेल, एंड द डिफरेंसेज बिटवीन देम आर जेनेटिकली डिटरमाइंड। जो जीन होगा, मेल होगा तो मेल की तरह के फीचर्स होंगे, फीमेल होगा तो फीमेल की तरह के फीचर्स होंगे। सो दैट इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसा होता है, ये सब आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो, ये भी खुद बना लो, ये पेटल्स हैं, ठीक है। पेटल्स के नीचे वो ग्रीन कलर का था, वो सेपल्स थे। अब ये जो है ओवरी है। अगर ये आपने एक बार मेरे साथ बना लिया ना, तो आप कभी नहीं भूलेगा। और वो बना के आप बड़ा सा कोई भी कलर्ड पेपर लो और उस पर ब्लैक कलर से बना लो, और बहुत इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है बनाना। तो अब ये इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो है ये ओवरी है। देखो, अभी तक हम लोग सेपल्स, पेटल्स, ये सब तो पता था। अब मेन चीज़ हमें क्या देखनी है, जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स है ना, वो हमारे को मेन चीज़ देखनी है। तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, देखो ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब जो है वो फीमेल है। और ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये मेल है। ओके, डन, इतना समझ में आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द एजेंसी ऑफ फ्लास। फ्लास एक एजेंसी है एंजियोस्पर्म्स में, जिससे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसमें फोर वॉल्स होते हैं, केलिक्स मतलब वो सेपल्स जो ग्रीन कलर के आपको बाहर दिखते हैं। एक ना फूल तोड़ के साथ में रखो तो दिखेगा साथ साथ में। फिर ये है पेटल्स, एंड्रीशियम मतलब ए मेल, और गायनेक, आपने गायनेक देखी हो ना, फीमेल की डॉक्टर्स होती हैं ना, गायनेकोलॉजिस्ट आपकी मम्मी की जाती हो कभी, तो गायनेकोलॉजिस्ट इज अ फीमेल डॉक्टर। तो गायनी वर्ड मतलब होता है फीमेल, ठीक है। अब इतना याद हो गया। केलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट वोल है, उसको सेपल्स बोलते हैं। ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है, ये प्रोटेक्ट करता है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर बर्ड बिफोर इट ओपन्स। वो फ्लावर जब तक ओपन ही नहीं हुआ है, तब तक वो मेल और फीमेल ऑर्गन्स के बाहर प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, पेटल्स कर रहे हैं। उसके बाहर प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, ये कर रहा है। कोरोला सेकेंड वोल है, ठीक है, केलिक्स के बाद सेकेंड वोल कोरोला, कंसिस्ट ऑफ पेटल्स। पेटल्स आर जनरली लार्ज, कलर्ड एंड शोई, क्यों, क्योंकि वो अट्रैक्ट करना है ना उन्हें पॉलिनेशन के लिए। तो आपने देखा होगा कि अगर पॉलिनेशन बर्ड्स से हो रहा है या इंसेक्ट से हो रहा है, तो ये जो कोरोला है ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, मतलब वो जो लीव्स होते हैं उनका कलर बहुत सुंदर होता है, तभी ना बर्ड्स और इंसेक्ट्स आएंगे, नहीं तो कोई आएगा क्यों पास में, ठीक है। एंड्रीशियम क्या है, इट इज़ द थर्ड होल इनर टू द कोरोला, कंसिस्टिंग मेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट्स कॉल्ड स्टेमन, ये स्टेमन, वो येलो पार्ट मैंने आपको दिखाया था, अब ये स्टेमन में ये चीज़ बना लो। इसको बनाना टफ है? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। एक लाइन बनाओ और एक लाइन बनाओ। देखो मैं तो आपको साथ में आर्ट की क्लासेस भी दे दूँ, ठीक है। और ये जो है ये अपना बन गया मेल, इसको हम एंथर बोलते हैं और इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठो और साथ में बैठ के ये बनाओ, ठीक है। An anther is lobed structure present at the tip of the filament. Each anther has pollen sacs. अब इसके अंदर जो है pollen sacs हैं, ऐसे sac मतलब थैले, और इसके अंदर जो है वो pollen grains हैं, ठीक है। ये pollen grains हैं। Each pollen grain produces two male gametes, male germs. इसमें male gametes, याद हो गया? ये पक्के से याद हो गया? नहीं याद हुआ तो यही वीडियो अभी ही दोबारा देख लो, रोको इसको और दोबारा देख लो। गाइनीशियम क्या है? इसको हम दूसरे नाम क्या है, कार्पल, पिस्टिल, ये सब दूसरे दूसरे नाम है ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए, हमें कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम बना सकते हैं, ये ऐसा मुझे तो बहुत सा ऐसा लगता है कि रानी की तरह खड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो, ये ऐसे गोल बनाया, ऐसे बनाया, ठीक है, छोटू सा बना लो, कोई बात नहीं, नहीं तो मैं बड़ा सा बना देती हूँ आपके लिए। देखो मुझे तो ये लगता है वो रानी की तरह ही है। अब ये जो है बेसिकली लेने बैठा है, पॉलन ग्रेन्स मेल देगा और फीमेल्स जो है वो इसमें खड़ा, तो ये क्या बोलता है, आओ पॉलन ग्रेन्स को, तो ये फैला हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो है स्टिग्मा है जिसपे पॉलन ग्रेन्स आएंगे, ठीक है। ये स्टाइल है जो कनेक्ट करता है बेसिकली स्टिग्मा और ओवरी को। ये अंदर जो है वो ओवियोल है और ये जो बाहर है पूरा उसको ओवरी बोलते हैं। तो इस पूरे को ओवरी बोलते हैं और इसके अंदर जो है उसको ओवियोल बोलते हैं। सो इट इज़ अ फोर्थ एंड इनर मोस्ट वॉल। अभी मेल्स हैं, रानी जी हैं, तो एकदम अंदर अच्छे से रहेंगी ना। सो ईच कार्पल हैज़ थ्री पार्ट्स, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। समझ में आ गया? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरीज इज फोलन बेजल पार्ट ऑफ द कार्पल, इट कंटेन्स ओव्यूल्स विच आर अटैच टू प्लेसेंटा। यही अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है, जो प्लेसेंटा वो चीज़ है जिसकी वजह से इनको मिल रहा है खाना ओव्यूल्स को। ईच ओव्यूल कंटेन एन एम्ब्रियो सैक दैट बियर्स अ हैप्लॉइड एग। हैप्लॉइड मैंने आपको बताया था ना, 46 हमारे में है, लेकिन इसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं, ये 23। तो ये बेसिकली 46 की जगह हम ये कह सकते हैं कि ये 23 पेयर्स हैं और ये डिप्लॉइड है, और इसकी जगह हमें 23 हैप्लॉइड मिल जाएगा, ठीक है। स्टाइल इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द कार्पल, जो स्टाइल है वो मिडिल पार्ट है। इट हैज़ स्टिग्मा अबव इट एंड ओवरी बिलो इट, दस अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो ये जो स्टाइल है वो इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। स्टिग्मा इज़ अ अपाइकल पार्ट ऑफ द कार्पल, इट रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स, इट इज़ स्टिकी। ये स्टिकी होता है।